Okay, I'm live again. Hello, everyone. Good morning, good evening, good afternoon, whenever you guys are tuning in. My name is Aisha. I'm live with amazing my business partner Raman. मेरा जो रीजन है लाइव इंटरव्यू करने का, ताकि मैं अपने आप लोगों को ये बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके इस बिजनेस के बारे में, और आप लोगों की लाइफ के एक्सपीरियंस को जान के कि ये बिजनेस लोगों की जिंदगी में कितना पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है। तो आज मैंने रमन को बुलाया है, वो आप अपने अपने बिजनेस में अपनी जर्नी को आपसे शेयर करेंगी। सो हाय रमन, हाउ आर यू? Hello, Aisha. I'm good, थैंक यू. हाउ आर यू? थैंक गुड। Aisha, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू इनवाइटिंग मी ऑन योर पेज. माय प्लेजर टू हैव यू ऑन माय पेज। थैंक यू थैंक फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। यू वेरी मच. थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. सो रोमन, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, और सबसे पहले आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए, ठीक है. ओके. एजुकेशन सो मेरा नाम रमनदीप और तालीवाल. मेरा नाम रमनदीप तालीवाल है. मैं कनाडा दे विच अपनी फैमिली दे नाल रहनी हाँ. मेरे आई हैव अ थ्री डॉटर्स. सो मेरी वन टीनेजर आ, वन मिडिल एज 10, वन इज 8. एंड मेरे हस्बैंड फुल टाइम वर्क कर देने, पर मैं घर तो ही कम कर दी बिकॉज आई एम स्टेइंग होम मॉम. सो एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम ऑलमोस्ट 15 ईयर्स आई एम लिविंग इन कैनेडा. And that's what about myself and how I come across in this business. मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मैं घर से कर सकूं, क्योंकि मैंने बहुत जब मेरे बच्चे फुल टाइम स्कूल जाने लग गए रही, मेरे पास टाइम होता था, क्योंकि घर के काम भी आप कितने कर लोगे. घर के काम करने के बाद आपके पास जो टाइम होता था, मुझे ऐसा होता था कि यार अब मुझे कुछ करना है, कुछ अपने लिए करना है, क्योंकि अब बच्चे तो बड़े हो गए हैं. थोड़ा अपने लिए थोड़ा सोचूं राइट, तो थोड़ा कि कुछ अपने लिए करूं यार, कि मेरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी कि बच्चों को संभाल लिया, घर का काम कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं रही. तो ऐसे ही एक दिन मैंने ये फाइंड आउट किया, सोशल मीडिया पर देखा, क्योंकि मैं वैसे ऑप्शंस बहुत ढूंढती रहती थी इधर उधर के, कैसे मैं काम कर सकूं, कैसे घर से लोग कैसे घर से काम करते हैं. अगर कोई काम करते पूछ दीजिए, ओके ठीक है आप घर से काम करते हो, जो आप बाहर काम करते हो, जो मेरी कभी फ्रेंड्स मिलती थी राइट. सो ऐसे मैंने जब मेरी मेंटर की एड देखी तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया रही. मैंने उनसे पूछा कि ये कैसा काम है, आप कैसे कर सकते हो, क्या इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपको कोई डिप्लोमा वगैरह करना पड़ेगा इसको करने के लिए, जो कितने आवर्स देने पड़ेंगे. क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि कितने आवर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं था कि मैं एक बंदिश में बन जाऊं राइट. मेरी जो जो मेरी फ्रीडम है, जो मेरे पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है मेरी, वो ना छूट जाए. क्योंकि मुझे ऐसा होता था कि मेरे बच्चों को कहीं से, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी वो स्पोर्ट्स में है, जो स्कूल में बहुत स्पोर्ट्स, वो कोई भी स्पोर्ट्स नहीं छोड़ती, हर एक स्पोर्ट्स में ट्राई करती है. सो कभी उसको आफ्टर स्कूल पिक करना, कभी स्कूल ड्यूरिंग स्कूल उसको, कोई कोबर से पहले के बारे में बात करें, कोबर के बाद तो सब कुछ चेंज हो गया राइट. अब 2 साल से कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं, हम सब स्टक हो गए हैं राइट. सो कभी कहीं से पिक करना, कभी कहीं पर छोड़ना, कभी उसकी स्पोर्ट्स होती थी तो मैं हर जगह उसके साथ ही होती थी. तो मुझे ऐसा था कि मैं वो चीजें मिस नहीं करना चाहती. मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई काम ज्वाइन करने के साथ मेरे बच्चों का जो स्केड्यूल है, जहाँ जो उनको जहाँ पर मेरी जरूरत है, मैं वहां पर ना हो सकूं. तब उसने मुझे बताया कि नहीं, इसको आप कहीं से भी कर सकते हो, आपको कोई ऐसा नहीं, कोई एक बिजनेस एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है. आप अपने घर से रहकर, अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, जैसे आप चाहो आप इस पर काम कर सकते हो. आप अपने ओन स्केड्यूल बनाते हो इसको काम करने का. तो तब मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ, तब मैंने कहा ओके ठीक है. मैं फिर उन्होंने मैंने उनकी वेबसाइट पर ज्वाइन, मैं रजिस्टर किया, वेबिनार वॉच किया मैंने भी. बस उसके वेबिनार वॉच करने के बाद ही मैंने नेक्स्ट स्टेप ले लिया था कि हाँ मुझे करना है, इस बिजनेस में आना है. और क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे जैसे ही मैंने वेबिनार देखा मुझे लगा कि हाँ ये मेरे सेम थिंग लिए. हैपेंड विद मी। हाँ सेम थिंग हैपेंड विद मी कि मैंने भी जब वेबिनार देखा तो मैंने भी राइट अवे डिसाइड कर लिया था। और हाँ हाँ अभी मेरी मेरी जो मेंटोर हैं वो इस वक्त हमें वॉच कर रही हैं, बिनी जफर। हेलो बिनी जफर, थैंक यू फॉर दिस बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग मी। हेलो बिजनेस. तो यही मेन चीज है कि जैसे हम लोग को समटाइम, आपको कभी लकीली आपको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो आप बहुत अरसे से ढूंढ रहे होते हो, कि उसमें आपको हर चीज मिल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंट, और जिस जिस जो चीजें आप लोग करना चाह रहे होते हो वो इजीली वो सब कर पाते हो। तो दैट्स ट्रू. आपको जब जैसे आपने आपने एड देखा, तो आपको क्या प्रोसेस था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का?
सो जब मैंने एड देखा इन द बिगिनिंग, या मैं थोड़ी स्पेक्टिकल थी, मुझे लगा था कि सोशल मीडिया पर है, शायद ये ट्रू होगा या नहीं ट्रू होगा, मालूम नहीं कैसा होगा. पर मैंने कहा, मैंने उसकी ऐड देखी, फिर मैंने ऐड सेव की. उसके बाद फिर पर बोल रही, आप जब किसी चीज को देखते हो आपके माइंड में वो चीज स्टक हो जाती है कि नहीं, आगे पूछ के तो देखूं, क्योंकि उनको उन्होंने अपना नंबर भी दिया हुआ था. तो मैंने कहा कॉल कर देखती हूँ, अगर लगे मुझे जेन्युइनली लगा कि हाँ वो रियल पर्सन है, क्या पूछूंगी कहाँ रहते हैं, कहाँ से करते हैं, राइट. तो फिर मैंने उनको कॉल किया. कॉल करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हाँ वो रियल हैं. बात की उनसे, बात करने के बाद मेरे जो क्वेश्चंस थे उन्होंने क्लियर किए. उसके बाद मैंने कहा नहीं, ठीक है, मुझे ज्वाइन करना है, मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जो मुझे मुझे लाइक जो मैं अपने आप कर सकूं, मुझे भी लगे कि हाँ मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, राइट. क्यों ऐसा नहीं, क्योंकि क्योंकि जब जैसे हम लेडीज का ये हो जाता है कि हम स्टडी करते हैं, आप कितने हमारे ड्रीम्स होते हैं, कैसे हम जब हम स्टडी करते हैं कितने एम्बिशियस होते हैं कि हाँ मैंने स्टडी करने के बाद ये करना है वो करना है. पर उसके बाद मैरिज हो जाती है, मैरिज के बाद जैसे सब जानते हैं, बस बच्चों में बिजी हो गए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, तब आप कहीं पर खो जाते हो. पर आपके अंदर कुछ ना कुछ तो वो रहता है ना कि यार मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, लाइक जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मैंने अपने लिए सोचा था, जिस काम के लिए मैंने स्टडी की थी, वो तो लाइक क्यों मैंने टाइम वो वेस्ट किया, राइट. तो वो आपके दिल में रह जाता है. पर इस बिजनेस के जरिए आपको वो आपके जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने का मौका मिलता है, क्योंकि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तो देते हो, उसके साथ साथ जो आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है ना, वो रिमार्केबल है. आप मैं उसको लाइक इस मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि जैसे मैं इन द बिगिनिंग थी जब इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले, और जो मैं आज हूँ, टोटली डिफरेंट हूँ. क्योंकि तब मैं जब घर पर रहती थी, मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो सब मैंने लाइक लॉस कर लिया था, क्योंकि मैं घर पर ही रहती थी, राइट. जैसे बच्चों, सारा दिन बच्चों का काम कर, घर का काम, बच्चों के इर्द गिर्द घूमना, आउटसाइड के वर्ल्ड का इतना मुझे कांटेक्ट नहीं था. पर इस बिजनेस में आने के बाद जब हम लाइव करते हैं, हम कितने और अपने लोगों से मिलते हैं, राइट, जानते हैं, आपको इतना फ्रेंड सर्कल मिलता है, आप उनसे बात करते हो, तो आपकी जिंदगी में एक लाइक एक आपको यू नो लाइक द ब्राइटनेस पाथ मिल जाता है आपको. इस लाइक आपकी जिंदगी भी बड़ी रोशन हो जाती है, बड़ी अच्छी आपके लगती अंदर है, खुद पॉजिटिविटी आती खुद है. पॉजिटिविटी आती है, या आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ मेरे जैसे और कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है, स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने कुछ अचीव किया, राइट. तो फिर मैं क्यों नहीं. मैं क्यों नहीं, और आप अच्छा लगता है कि हम लोगों ने एक चीज फाइंड आउट की है, तो हमारी कंट्री के या हमारे जैसे और लोग भी, क्योंकि हाँ बिजनेस इज फॉर एवरीवन, एनीबडी यस कैन ज्वाइन. तो जब दैट्स हमारी अपनी कम्युनिटी के, हमारे अपनी कंट्री के, और अब तो हाँ जैसे हम लोग की टीम्स बन चुकी हैं इतनी, तो यस अलग अलग कंट्रीज के लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो एक एक एक, एक अलग उसकी फीलिंग है कि आपको दूसरे कल्चर्स के बारे में जानने का मौका मिलता है. दैट्स ट्रू हम दैट्स लोग ट्रू जैसे इस बिजनेस के थ्रू मिले हैं, इससे पहले हम लोग कभी नहीं मिले, तो दैट्स ये ट्रू अपॉर्चुनिटी भी हमें इस बिजनेस ने दी है. या और ये कि पर्सनल ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस बिजनेस से मिली है. मैं बिल्कुल भी वो पर्सन नहीं थी कि मतलब सोशली इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं कभी लाइव करूंगी या मैं कैसे कभी किसी का इंटरव्यू करूंगी. लेकिन इसका सिर्फ इंटरव्यू का बेसिक मकसद यही है कि लोगों को चीजें प्रॉपरली एक्सप्लेन की जा सके, कि वो बिजनेस को अंडरस्टैंड करें. तो और अच्छा, अब इसके बाद मुझे बताइए कि जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो इसमें आपको, इसमें बेस्ट थिंग आपको क्या लगी, कि व्हाट इज द फेवरेट पार्ट ऑफ द बिजनेस फॉर यू? So the favorite part of this business is first of all the training. Training is so easy to follow. आपको ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे जब हम training के बारे में पहले सोचते हैं, हमारा मन में questions होते हैं, यार training है, पता नहीं कैसी होगी, कैसे करनी होगी. पर easy and another is आपको time की बंदिश नहीं है. आप अपने हिसाब से काम करते हो, जैसे आपके पास time है उस हिसाब से आप अपना schedule बनाते हो, और आप कहीं से भी इसको कर सकते हो. ये नहीं है कि आपको एक ऑफिस में एक सेट अमाउंट ऑफ आवर्स आपको बैठना है फिर उसको काम करने, नहीं, आप फोन फोन से सब, तो वैसे हम सब जैसे हम सब हैं जो हम फोन से ही इसको काम इस सारा काम करते हैं, सब जो है वो फोन पर ही ओपन हो जाते हैं, एवरीथिंग हम फोन से करते हैं. लैपटॉप तो वेरी रेयर है हम कभी जब यूज करते हैं. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. जब मैं अपने बच्चों के साथ बाहर होती हूँ तब कर लिया. जो मेरे पोस्ट हैं उनको मैं मोस्टली स्केड्यूल कर देती हूँ, तो मैं सारा दिन फ्री होती हूँ. सो मेरे लाइक और द अनदर इज द ऑटोमेटेड सिस्टम दैट वी हैव, दैट 90% ऑटोमेटेड सिस्टम दैट वर्क फॉर अस. Absolutely. या सो दैट्स द बेस्ट थिंग. आप Absolutely. कहीं पर बिजी भी हो, आप स्लीप में कर रहे हो, आप या कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, जब बच्चों के साथ हो, आपका सिस्टम आपके लिए वर्क करता है, कंटिन्यूसली आपके लिए वर्क कर रहा है.
सो दैट्स द आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस कि आपके लिए उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बिल्ड किया हुआ है और आपको सारी स्टेप्स ले आउट करके दी हैं कि आपको सिर्फ फॉलो करना है, आपको अपना जो 10% है वो प्रॉपर 10% आपको देना है इस बिजनेस में, तो आप इसका आप में आप इसमें अच्छी तरह सक्सेसफुल हो सकते हो. यस बिल्कुल, कि यही है कि अगर आपके अंदर वो एक वो है एक्साइटमेंट है या आपके अंदर एक वो लगन है कुछ करने की, तो आप डेफिनेटली आप ग्रो करोगे और आपको इस बिजनेस में डेफिनेटली बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी. That's true. Yeah. क्योंकि ऐसा है, क्योंकि आप देखो हम बता सकते हैं, हम आपको मौका दे सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता सकते हैं, पाथ दिखा सकते हैं, पर आपका जो अंदर की है ना, जो आपकी एक चाह है कि हाँ मैंने कुछ करना है, ये मेरे लिए है, जहाँ मुझे कुछ अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए चाहिए, वो कुछ आपको आपसे ही मिलेगी. आपको कोई और नहीं आएगा आपको बताने के लिए, आपको खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा किसी चीज को जानने के लिए, या किसी चीज की कि जो आपको आपको पता है कि आप किस चीज की आप किस चीज की सर्च में हो, किस चीज को आप फाइंड कर रहे हो कि आपको अपनी जिंदगी में चाहिए. एब्सोल्युटली, क्योंकि बिजनेस ये इसका ये मतलब है, तो आप जब इस बिजनेस के अंदर आते हो और फिर जब आपको एक मोस्टली बहुत सारे लोग इसको 9 to 5 जॉब से ज्यादा इसमें अर्न कर रहे हैं, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई क्विक रिच स्कीम है ये कुछ इस तरीके की, आपने आप बिजनेस में आए और राइट अवे आप बहुत ही बहुत अर्न करने लगे, आप बहुत सक्सेसफुल हो गए. ऑब्वियसली आपको अपना 100% देना पड़ेगा, वो है आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा बिजनेस को, वो जो भी कर रहे हो आप इंटरेस्ट से करोगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे इस बिजनेस में. दैट्स ट्रू, क्योंकि जैसे ये बिजनेस दूसरे अदर बिजनेस की तरह ही है, इसको सेट होने में टाइम लगता है, पर आप अगर आप एक्साइटेड हो, आपको पता है आपके अंदर वो स्पार्क है ना कुछ करने का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, पर आपको वो स्पार्क दिखाना पड़ेगा, वो स्पार्क अपने आप से बाहर लाना पड़ेगा इस बिजनेस में, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको खुलकर लोगों से बात करनी पड़ेगी कि हाँ मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है, लोगों को इस मौके के बारे में बताना पड़ेगा, तभी है, क्योंकि सबके साथ आपकी भी ग्रोथ है. अगर आप इस बिजनेस में आ जाओगे पर उसके बाद आप कहोगे ठीक है मैं इस बिजनेस में आ गई, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, सब कुछ मेरे लिए कोई और करेगा, जो सिस्टम है वर्कर, पर सिस्टम तो अपना काम कर ही रहा है, पर आपको भी अपना जो 10% है, जो आपको अपना एफर्ट है, वो प्रॉपर इस बिजनेस को देना पड़ेगा. आपको हर चीज कंसिस्टेंसी से करनी पड़ेगी, आपको अपना वर्क करना पड़ेगा, नो डाउट. और ये कि फिर भी आपको अपना दिखाना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं पे स्टक हो जर्नी आर अवेलेबल टू हेल्प यू. या क्योंकि हमारे जो प्रॉपर मेंटर्स हैं, कोचेस हैं, वो हमारे लिए बैठे हैं हमें हेल्प करने के लिए. अगर कहीं से हमें नहीं पता चलता, उनके पास एक्सपीरियंस है क्योंकि उन्होंने हमसे पहले ज्वाइन किया है, वो फिर हमें बताते हैं कि इसको ऐसे करो, ये चीज नहीं वर्क कर रही तो दूसरी चीज को ट्राई करो, पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, उनसे रीच आउट करो, पूछो, तभी है, क्योंकि अगर आप बैठे रहोगे कुछ ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसा होगा, राइट? तो जब आपने ट्रेनिंग की, आपको ट्रेनिंग कैसे लगी? बहुत इजी है या आपको थोड़ा इसमें द ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इजी लगी? वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग कभी कुछ नहीं. हाँ, वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है. उन्होंने वेरी सिंपल लैंग्वेज यूज की है, आपको अगर आप म्यूट भी करते हो ट्रेनिंग, आपको हर चीज की स्टेप दिखाई गई है कि कैसे आपको कर्सर को कहाँ लेकर जाना है. और ट्रेनिंग में क्या है, ट्रेनिंग में हम अपने सोशल मीडिया की सेटअप करते हैं कि हमारे सोशल मीडिया को कैसे हमने सिक्योर बनाना है, कैसे उसकी सेटअप करनी है, कौन से वर्ड्स हैं हम नहीं यूज कर सकते उनके बारे में बताया, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया गया कि आप उनको कैसे यूज कर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो. इसी टाइप की ट्रेनिंग है, इसमें आपको बताया गया है कि आपने जो पोस्ट बनाने हैं कैसे पोस्ट बनाने हैं, राइट, सब इसके बारे में बताया गया. वेरी वेरी इजी टू फॉलो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में कुछ भी मुश्किल नहीं है. और ये है कि ट्रेनिंग आपको अपनी ईमेल में मिल जाती है, ऐसा नहीं कि आपको कोई क्लासेस लगानी है कहीं पर जाकर, आपके ईमेल में है, जब भी आपके पास टाइम है, बच्चों के सोने के बाद रात को आप बैठो, टू आवर्स बैठ जाओ, उसके बाद ट्रेनिंग को कर लो, और 10 मिनट्स डे में जब भी आपके पास टाइम है, 1 आवर है, आप उस टाइम में आप यूटिलाइज करो और ट्रेनिंग को कम्प्लीट करो. इवन के ट्रेनिंग में भी कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लाइव क्लासेस लेनी है और आपको आपको एक क्लास हो रही है आपको अटेंड करने से कभी भी कर सकते. तो आज हमारा ट्यूसडे है और ट्यूसडे को हमारा लाइव वेबिनार होता है,
तो आप लोगों को क्या, उनको क्या मैसेज देंगी, जो बहुत सारे लोग हैं जो वेबिनार देख देख चुके हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया है, तो अगर वो बिजनेस में आना चाहते हैं तो उनको उसका क्या प्रोसेस है? ऑब्वियसली वेबिनार इज अ फर्स्ट स्टेप, और अगर आप उसको थोड़ा सा बिजनेस के बारे में आगे एक्सप्लेन करें कि अगर आज जैसे ट्यूसडे है और वेबिनार देखते हैं तो फिर उनको आगे से नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? ठीक है, या क्योंकि देखो आज जैसे ट्यूसडे है, ट्यूसडे एंड थर्सडे को हमारा लाइव वेबिनार होता है, जो जिसमें हम लाइक जो लोग इस बिजनेस में रियली सक्सेसफुल हैं वे अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे इस बिजनेस से कि बेनिफिट उठाए हैं, उनकी लाइफ में कैसी चेंजेस आई हैं। फिर इसके बारे में, फिर इसमें 25% हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि जो हमारे बिजनेस का मॉडल है वो कैसे वर्क करता है, कैसे क्या क्या आपको प्रोवाइड होता है इस बिजनेस में, कैसे आप इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। उससे आपको आइडिया आ जाता है कि हाँ ये बिजनेस का जो मॉडल है वो कैसे वर्क करता है, ये आपके लिए है या नहीं है, आपको उससे पता चल जाता है। सो आप उसको वॉच करो, जो वो क्या अपने कनाडा के 8 PM है, आप अपने जहां पर भी हो आप अपने टाइम को गूगल जोन कर सकते हो कि आपका कौन सा टाइम जोन आएगा। 8 PM हमारे यहाँ आता है, आप आयशा की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं एंड आप वहां से वेबिनार को वॉच करें। जब आप वेबिनार को वॉच करने के बाद अगर आपको लगता है कुछ आपको नहीं समझ आया, आप फोन करें, आप आयशा से क्वेश्चंस करें, पूछें कि हमें कुछ जो चीजें हैं जो आपको नहीं समझ आई, क्योंकि होता है कई बार हम बिगिनिंग में देखते हैं हमें नहीं समझ आता, तो उसको आप पूछो। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप को लो। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारे जो हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं वो 149 पे करते हैं, वो रिफंडेबल अमाउंट है, वो कहीं पर नहीं जाती, पर आपके पास 30 डेज का पीरियड होता है इस बिजनेस को और एक्सप्लोर करने का। उसमें आप इस बिजनेस के बारे में एक्सप्लोर करते हो, आप देखते हो कि रोज के कितने लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लोगों की सक्सेस जर्नी क्या है, लोग क्या क्या इस बिजनेस में अचीव करते हैं, आपको उस सब के बारे में पता चलता है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ आपने नेक्स्ट स्टेप नहीं लेना, आपने इस बिजनेस में नहीं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप हमें बताओ कि हमें ये बिजनेस नहीं करना, आपकी जो मनी है आपको विद इन 30 डेज रिफंडेबल हो जाएगी। यस सो बट इंफॉर्मेशन तो आपके पास आएगी ना, सो इंफॉर्मेशन लो। इंफॉर्मेशन लेने में कुछ नहीं जाता, इंफॉर्मेशन इज द की टू सक्सेस। अगर आप किसी चीज की इंफॉर्मेशन लोगे तो अभी आप आगे बढ़ोगे। बिल्कुल सही कहा आपने। सो थैंक यू सो मच अमन फॉर गिविंग अस योर टाइम। यू वेलकम आयशा, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस। यस बिनी जफर एंड डॉक्टर सैयद अर्शद ज्वाइन अस। तजीन हेलो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस। इन द लास्ट आई विल जस्ट से समथिंग, इफ यू वॉन्ट डू समथिंग एंड इफ यू वॉन्ट डू एंड इफ यू वॉन्ट अचीव समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कम्फर्ट जोन। दैट्स ट्रू। इफ यू वॉन्ट चेंज योर लाइफ, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट रमन, कॉन्टेक्ट मी, वी विल लव टू असिस्ट यू गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय।